हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दालचंद और आप देख रहे हैं पाथमेकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने रियल नंबर्स में जो नंबर सिस्टम का चैप्टर था वो हमने जो है फिनिश किया था। आज हम दोस्तों एक बहुत ही अच्छा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है पॉलिनोमियल। दोस्तों, अगर आपने हमारी जो नंबर सिस्टम वाली वीडियो ना देखी हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके सीधे आपके पास लिंक दिया होगा, आप उस पर क्लिक करिए, आपको प्लेलिस्ट खुलेगी चैप्टर नंबर 1 की जो कि नंबर सिस्टम है, आप वहां से जो सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल, शुरू करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, पॉलिनोमियल दोस्तों जिसे हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद देखिए दोस्तों, जैसा कि हिंदी से नाम सजेस्ट हो रहा है, बहु यानी बहुत सारे और पद मतलब टर्म्स यानी मैनी टर्म्स। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने जो है हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी कुछ, जैसे कि a प्लस b का होल स्क्वायर जो कि होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, हम इसमें क्या देखते हैं दोस्तों, इसमें टर्म्स कितने हैं, क्या है दोस्तों टर्म्स कितने हैं यानी पद कितने हैं इसमें, 1 2 3। एक ये पद हो गया, दूसरा ये पद हो गया, तीसरा ये पद हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी टर्म्स कितने हैं। अब देखिए दोस्तों, टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स वो होती हैं जिसे जो है प्लस या माइनस का साइन जो है सेपरेट कर रहा होता है यानी अलग कर रहा होता है उसे। ठीक है, जैसे इन दोनों के बीच जो है कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। इन दोनों के बीच प्लस का साइन है या माइनस का साइन कुछ भी हो सकता है, तो एक टर्म ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमें टर्म्स पता लगे टर्म्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, और ये पॉलिनोमियल भी कहलाता है। कैसे, देखिए पॉलिनोमियल क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास जो एक वेरिएबल भी है। वेरिएबल को क्या बोलते हैं दोस्तों, चर हिंदी में। ठीक है, वेरिएबल जिसे हिंदी में मैं चर बोलता हूं, और कांस्टेंट भी है यानी दो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसे बोलता हूं हिंदी में अचर। अब वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं दोस्तों, वेरिएबल या चर वे संख्याएं होती हैं जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी ए की वैल्यू यहां पर ए की, बी की यहां पे कुछ भी, यानी ए और बी भी, यानी ए और बी जो है दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल है। इसका मतलब है ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्या दो एक कॉन्स्टेंट नंबर है, क्या मैं उसे चेंज कर सकता हूं, नहीं कर सकता। जिसे मैं चेंज नहीं कर सकता नंबर, वो होगा हमारा कॉन्स्टेंट, और जिसे मैं चेंज कर सकता हूं वो होगा हमारा वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कोफिशियंट क्या होता है पॉलिनोमियल में। ठीक है दोस्तों, कोफिशियंट देखिए, अगर जैसे मेरे पास एक टर्म है यानी एक पद है, जैसे मैं एक पद लिखता हूं 2x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 2x स्क्वायर एक टर्म है, यानी ये क्या है, एक टर्म है, टर्म यानी एक पद है। अगर मैं इसमें बोलूं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, यानी हिंदी में बोलते हैं कॉफिशियंट को गुणांक। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, गुणांक। अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप क्या कहोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, क्या बोलोगे आप, 2 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब मैं डिग्री की बात करता हूं, डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। ठीक है, आप देखिए, मान लीजिए हमारे पास जो है एक, ये एक पॉलिनोमियल है 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1। हमारे पास ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर मैं बोलूं आप इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, क्या बताइए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो दोस्तों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है इसका 3। अगर क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है यानी जो हाईएस्ट पावर होती है, उसकी हाईएस्ट पावर होती है, उसी को मैं बोलता हूं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री बोलता हूं। क्या बोलता हूं दोस्तों, डिग्री बोलता हूं। तो इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री की बात करूं तो डिग्री क्या होगी दोस्तों, इसकी डिग्री क्या होगी दोस्तों, इसकी 3 होगी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि बहुपद होता क्या है। अभी तक तो हमने देखा कि एक्स कोफिशियंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है। अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूं दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आप उससे जो है बहुपद समझ जाएंगे बहुपद होता क्या है। आप देखिए, मान लीजिए आप जो है एक दुकान पर गए, आपने जो है एक जो है जैसे कुरकुरे का पैकेट खरीदा, मान लीजिए कुरकुरे का पैकेट है 10 रुपए का। ठीक है दोस्तों, 10 रुपए का कुरकुरे का पैकेट है,
और आपने जो है एक क्वांटिटी ली उसकी, मतलब मान लीजिए आपने 2, 3, 4 आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब मैंने क्वांटिटी को एक वेरिएबल मान लिया और प्राइस को मैंने क्या मान लिया, एक कांस्टेंट मान लिया। अगर मैंने प्राइस को कांस्टेंट मान लिया और क्वांटिटी को वेरिएबल मान लिया, क्वांटिटी क्या होगी दोस्तों, एक्स हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ जो कुरकुरे है, कुरकुरे इसकी जो इसका जो कुरकुरे प्राइस ये है 10 रुपये और इसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी को मैंने एक्स मान लिया, वेरिएबल मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा दूसरा मैंने क्या कहा, मैंने मान लिया बिस्कुट ले लिया मैंने एक, ठीक है बिस्कुट ले लिया और वो भी जो है 30 रुपये का है मान लो बिस्कुट वो, और उसकी जो क्वांटिटी है वो है वाई। ठीक है दोस्तों, वो है वाई क्वांटिटी है। ठीक है, अब मैं अगर इनका टोटल प्राइस निकालूं, अगर मैं मान अगर मैं कहता हूं कि मैं एक एक लेता हूं, यानी एक एक पैकेट कुरकुरे का लेता हूं और एक पैकेट बिस्किट का लेता हूं, तो दोस्तों अब देखिए एक पैकेट लेता हूं यानी एक्स की वैल्यू मैं एक रखूंगा प्लस, और बिस्किट का पैकेट भी एक लेता हूं 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 + 30 = 40, 30 = 40। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा जो वाई आ जाएगा यहाँ, सॉरी यहाँ पे वाई ना मान के आप इसे जेड मान लीजिए, जेड जेड बराबर। ठीक है दोस्तों, जेड जेड बराबर, तो हमारा जेड जो है क्या आ गया दोस्तों, 40 आ गया। ठीक है, जेड जो है हमारा 40 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो जेड की वैल्यू है वो किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। यानी जो जेड की वैल्यू है वो डिपेंडेंट करती है किसके ऊपर, एक्स की वैल्यू पर और वाई की वैल्यू पर। तो मैं लिख सकता हूं जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है दोस्तों, जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी जेड की वैल्यू क्या है, डिपेंडेंट है किसके ऊपर, एक्स और वाई पर, और वाई जो है वैल्यू इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यानी ये आत्मनिर्भर है, अपने ऊपर ही निर्भर करती है ये, इसकी वैल्यू जो है ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती। अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती तो इंडिपेंडेंट है ये, और जो जेड है वो जो है क्या है, डिपेंडेंट वैल्यू किसके ऊपर, एक्स और वाई के ऊपर। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जेड जो है फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का। दोस्तों अभी मैंने क्या देखा था कि जेड जो है किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का। ठीक है दोस्तों, जेड जो है किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का फंक्शन है। इसका मतलब ये था कि जेड जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने और इसको लिखा, मैंने जो है जब करा था तो ये दो वेरिएबल थे, यानी ये दो वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल विद टू वेरिएबल, यानी बहुपद जो है दो जो है चर संख्याओं पर था। ठीक है दोस्तों, दो चर संख्या वाला था। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूँ जो हमारे सिलेबस में है मेनली, वो है दोस्तों वन वेरिएबल वाला। देख ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि जेड जो है फंक्शन है किसका, सिर्फ एक्स का। अगर जेड बोलूँ मैं कि फंक्शन है सिर्फ एक्स का, इसका मतलब ये है कि जो ये है जो पॉलिनोमियल हमारा बनेगा, ये एफ एक्स जो हमारा पॉलिनोमियल बनेगा, ये सिर्फ वन वेरिएबल का होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अगर मैं बात कहूँ कि जेड इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा ए, ठीक है एक्स कॉमा वाई कॉमा ए, तो इसका मतलब है कि ये जो थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है, थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल, और ये दोस्तों ये वन वेरिएबल और ये दोस्तों टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, देखिए वन वेरिएबल का तो हमें अभी जो है क्वेश्चंस करेंगे भी, इसके टू वेरिएबल से भी क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा आगे करेंगे। ये थ्री वेरिएबल्स वाले हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमारे सिलेबस में मेन जो है वन वेरिएबल और टू वेरिएबल वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक टर्म है मेरे पास, एक कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म हमेशा जो एक जीरो पॉलिनोमियल कहलाती है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने टर्म क्या बताया था, जैसे 4x + 2x + 3, ठीक है ये एक पॉलिनोमियल था। ठीक है, तो पॉलिनोमियल था डिग्री 1 वाला, यानी इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है किसकी क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी दोस्तों, 1 होगी। अगर डिग्री मैक्सिमम 1 है तो ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, और अगर मैं कॉफिशियंट बोलता हूँ कि x का कॉफिशियंट क्या है, तो x के कॉफिशियंट दोस्तों इसमें 2 है, मतलब 2 है, मतलब कहने का मतलब 4 भी है और 2 भी है, ये मतलब है। और अगर मैं बोलूँ, अगर मैं सिर्फ ये लिख दूँ, सिर्फ 3, तो अगर कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है दोस्तों, यानी एक जो है एक अचर टर्म है, अचर पद है, तो वो हमेशा एक जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, यानी जीरो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, जीरो बहुपद।
यानी जीरो पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल्स की। देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, पहला दोस्तों होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, थर्ड होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, देखिए, अब देखिए बाइनोमियल का मतलब हिंदी में होता है एकपदी, बाइनोमियल का होता है द्विपदी, और ट्राइनोमियल का मतलब होता है त्रिपदी। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, टर्म्स क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, जो भी नंबर्स जो होते हैं हमारे पॉलीनोमियल में, अगर वो प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहे होते हैं तो मैं उसे टर्म कहता हूँ, यानी पद कहता हूँ। ठीक है, अगर मैं मोनोमियल की बात करता हूँ तो मोनोमियल में सिर्फ एक ही पद होगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x की पावर 4, एग्जाम्पल इसका 2x की पावर 4 3। ठीक है, (3), यानी ये अलग अलग है, ये अलग है, यानी ये भी एक सिंगल टर्म है और ये भी एक सिंगल टर्म है, यानी जो है इसमें जो है कांस्टेंट वेरिएबल दोनों हो सकते हैं, या फिर कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल भी हो सकता है, यानी इसका एग्जांपल एक एक्स भी ले लूँ मैं, यानी कांस्टेंट वेरिएबल दोनों एक साथ भी हो सकते हैं या फिर कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही पद में होना चाहिए, यानी एक ही टर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बाइनोमियल की मैं बात करता हूँ, बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल में दोस्तों क्या होता है कि इसमें दो पद होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, यानी दो टर्म्स होती हैं इसके अंदर। देखिए, जैसे मैं √2x² + 4x, ठीक है, ये देखिए, अब इसमें दो टर्म है, क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने बताया था प्लस या माइनस से सेपरेट होने चाहिए, अगर प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहे हैं तो ये दो टर्म है, एक टर्म क्या हो गया √2x², दूसरा टर्म क्या हो गया 4x हो गया। अब देखिए, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। और ट्राइनोमियल क्या कहलाता है, ट्राइनोमियल जिसमें तीन पद होते हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया, जैसे मैंने 2x² + 4x + 1, ठीक है दोस्तों, ये चीज़। अब ये क्या है दोस्तों, ये ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, इसमें तीन पद हो गए, पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब मैं ये तो दोस्तों टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल हो गया, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके। अब देखिए दोस्तों, अब जो चौथा हमारे पास पॉलीनोमियल है वो होता है दोस्तों लीनियर पॉलीनोमियल। क्या होता है दोस्तों, लीनियर पॉलीनोमियल, इसे हिंदी में बोलता हूं दोस्तों रैखिक बहुपद। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलीनोमियल वो पॉलीनोमियल होता है जिसमें उस पॉलीनोमियल की जो डिग्री है वो 1 होती है सिर्फ केवल। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा 4x + 5, ठीक है, y = 4x + 5, यानी इसमें जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है दोस्तों, 1 है, x की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा, एक लीनियर पॉलीनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, एक लीनियर पॉलीनोमियल यानी रैखिक बहुपद कहलाएगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे 6x - 3 y = 6x - 3, ये भी एक लीनियर पॉलीनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो इसकी डिग्री है वो क्या है दोस्तों, 1 है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल। और पांचवे की अगर मैं बात करूं, पांचवा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है दोस्तों, इसे बताने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ लीनियर पॉलीनोमियल में। दोस्तों, लीनियर पॉलीनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जाता है, एक सीधी रेखा में जाता है, इसलिए मैं इसे रैखिक बोलता हूँ, एक रेखा में जाता है, एक रैखिक लाइन में जाता है। यानी अगर मैं इसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे अगर मैं प्लॉट करूँ, इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, मैं ग्राफ प्लॉट करना भी बताऊँगा कैसे होगा,
ठीक है। अभी आप समझ लीजिए, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पर करता हूँ, तो हमेशा इसकी लाइन जो एक सीधी लाइन ही जाएगी, ये कहीं से भी जा सकती है, ऐसे ऐसे करके कहीं से भी जाती है, यानी एक जो एक सीधी लाइन ही जाएगी इसकी, एक स्ट्रेट लाइन ही जाएगी, इसलिए मैं उसे बोलता हूँ रैखिक बहुपद बोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वो पॉलीनोमियल होता है जिसकी डिग्री, ठीक है, जिसकी डिग्री जो है मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, जैसे 2x² + 4x + 2। ठीक है दोस्तों, 2x² + 4x + 2, तो ये क्या कहलाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो क्या है दोस्तों, 2 है। ठीक है, एग्जांपल कई सारे हैं ये, और इसका एक एग्जांपल और बता दें, जैसे 3x² + 2, ये भी हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम जो डिग्री है एक्स की, यानी जो वेरिएबल की डिग्री है वो क्या है, 2 है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं ट्राइनोमियल की। ठीक है दोस्तों, यानी क्यूबिक पॉलीनोमियल की बात करता हूँ मैं। क्यूबिक पॉलीनोमियल में दोस्तों क्या है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्यूबिक पॉलीनोमियल। जैसे कि हमने जो पिछले इनमें बताया कि लीनियर पॉलीनोमियल बताया कि इसकी जो एक्स की मैक्सिमम पावर है 1 होगी, क्वाड्रेटिक में बताया 2 होगी, तो सीधी बात है क्यूबिक में क्या मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, यानी उसकी डिग्री जो है पॉलीनोमियल की वो 3 होनी चाहिए। यानी ये कर दो आप 3x³ + 2x² + 1। ठीक है दोस्तों, अगर ये भी ये अगर मैं ऐसे कर दूँ तो क्या कहलाएगा दोस्तों, क्या कि इसकी मैक्सिमम जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है। अगर मैक्सिमम डिग्री 3 है तो क्या कहलाएगा दोस्तों, क्यूबिक पॉलीनोमियल कहलाएगा। दोस्तों अब हम देखेंगे पॉलीनोमियल का यानी बहुपद का ओवरऑल क्लासिफिकेशन कैसे होता है। देखिए, अभी तक मैंने 6 बताए थे आपको, बेस्ड ऑन टर्म्स और जो है बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी पद पर आधारित और डिग्री पर आधारित, यानी घात पर आधारित मैंने। ठीक है, देखिए मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता था, एग्जाम्पल भी मैंने इसका बताया था, इसका मोनोमियल का एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे 2x हो गया, 3 हो गया, या 2x² हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बाइनोमियल का मैंने क्या बताया था, बाइनोमियल का मैंने एग्जांपल बताया था, यानी जिसमें दो टर्म्स होती हैं, यानी दो पद होती हैं, यानी जैसे 2x + 2 भी हो सकता है वो, ठीक है, या कॉमा 4x² + 3 भी हो सकता है। ठीक है, और ट्राइनोमियल मैंने क्या बताया था, 3 पद होने चाहिए उसके अंदर, जैसे 2x³ + 4x³ + 2। ठीक है, ये यानी 3 टर्म होगी इसमें, 1, 2, 3, और इसमें 1, 2, 1, 2, और इसमें एक ही टर्म है पूरी। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, क्योंकि मैंने टर्म बताया था आपको, मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, क्योंकि टर्म वही होती है जो प्लस या माइनस सेपरेट हो रहा होता है। ठीक है, देखिए ये प्लस या माइनस से सेपरेट हो रहा है, देखिए वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, इसीलिए अब देखिए बेस्ड ऑन डिग्री कि पॉलीनोमियल कितने टाइप के होते हैं। तो पॉलीनोमियल जो है दोस्तों मेनली हमारे, वैसे तो होते और भी हैं, क्यूबिक की जगह जो है त्रिघात हो गया या चतुर्घात हो गया, यानी फोर्थ पॉलीनोमियल हो गया, फिफ्थ पॉलीनोमियल, सिक्स्थ पॉलीनोमियल, कोई सा ही पॉलीनोमियल हो सकता है। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो ये है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है, यानी जो रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं लीनियर पॉलीनोमियल की बात करता हूँ। लीनियर पॉलीनोमियल को मैंने क्या बताया था, जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होती है, और लीनियर, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ इसका, लीनियर जैसे 4x + 2। ठीक है दोस्तों, 4x + 2। ठीक है, अगर ये, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं जो है 4x भी लिख दूँ, ठीक है, सिर्फ 4x भी लिख दूँ, ये भी एक लीनियर पॉलीनोमियल ही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है या मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी है, 1 है। ठीक है, तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि लीनियर पॉलीनोमियल जो हमारा है वो जो है एकपदी भी हो सकता है, द्विपदी भी हो सकता है, और अगर एक स्पेशल कंडीशन आ जाए, जैसे मान लीजिए इसमें तो एक वेरिएबल है, ठीक है दोस्तों, एक वेरिएबल है, मान लीजिए इसमें 2 वेरिएबल आ जाए, ये तो सिंगल वेरिएबल यानी 1 वेरिएबल पॉलीनोमियल है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 वेरिएबल आ जाए, या आप इसे 6y करके लीजिए, 6y + 2 करके लीजिए, यानी 2 वेरिएबल इक्वेशन जो होगी, 2 वेरिएबल हमारा पॉलीनोमियल जो होगा वो त्रिपदी भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है यानी मैक्सिमम जो डिग्री है ये घात है, वो क्या है, 1 है। ठीक है, वो 1 है, तो क्या कहलाएगा, एक लीनियर पॉलीनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, एक लीनियर पॉलीनोमियल, और लीनियर पॉलीनोमियल हमारा जो एकपदी भी हो सकता है, द्विपदी भी और त्रिपदी भी। ठीक है,
और अब मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक की। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो भी हमारा जो एकपदी भी हो सकता है, यानी मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है और ट्राइनोमियल भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। बट इसकी मैक्सिमम जो पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। यानी इसकी जो डिग्री है, यानी जो घात है मैक्सिमम क्वाड्रेटिक की, वो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? दो होनी चाहिए। ऐसे ही अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करता हूँ तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी जो है मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। ठीक है, तो और इसका मैक्सिमम पावर जो होगी उसकी क्या होगी? तीन होगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम जो इसके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एग्जांपल नंबर वन दोस्तों आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसका मतलब है दोस्तों कि इनमें से जो है कौन सा जो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल वाला, कौन सा दोस्तों? वन वेरिएबल वाला, और कौन सा नहीं है और रीजन बताइए। कौन है तो रीजन बताइए, नहीं है तो रीजन बताइए, और कौन सा? वन वेरिएबल वाला। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम पहले वाले को देखते हैं। ठीक है, पहले वाला मैंने देखा, मैं इसमें देखता हूं पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें वेरिएबल, देखो वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो इसमें आप देखिए इसमें सिर्फ एक्स है, सिर्फ वन वेरिएबल है। क्या है दोस्तों? सिर्फ वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल है तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये जो है कौन सा पॉलिनोमियल है? एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल, तो ये क्या हो गया दोस्तों? पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, पॉलिनोमियल हो गया। और पॉलिनोमियल में दोस्तों कौन सा है? पॉलिनोमियल में जब मैंने बताया था, जब क्लासिफिकेशन करा था मैंने, बेस्ड ऑन टर्म्स किया था, यानी पद के आधार पर और घात के आधार पर किया था। तो अगर मैं घात के आधार पर देखूं इसे, तो कौन सा पॉलिनोमियल है ये दोस्तों? कौन सा पॉलिनोमियल? इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? दो है। अगर मैक्सिमम पावर इसकी, यानी घात इसकी दो है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा दोस्तों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगली बात, ये जो है कौन, अब जो है मैंने बताया था कि टर्म्स के बेस पर भी पॉलिनोमियल जो है डिफाइन होता है या क्लासिफाई होता है, तो बताइए टर्म के आधार पर या बेस ऑफ, बेस्ड ऑन टर्म्स, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? इसमें कितने टर्म्स है? वन टू थ्री टर्म्स है, थ्री टर्म्स है, तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा दोस्तों? ट्राई पॉलिनोमियल, ट्राई पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, क्या कौन सा कहलाएगा? ट्राई पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब देखिए मैं दूसरा बताता हूं आपको, दूसरा, अब देखिए ये वाला, अब ये देखिए दोस्तों, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हम कहेंगे हाँ ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल इसमें दो पद हैं, सिर्फ दो पद हैं, दो पद हैं, तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा दोस्तों? ये बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाएगा। और इसकी जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम पावर है वो कितनी है दोस्तों? तीन है। अगर मैक्सिमम पावर तीन है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल एग्जांपल है आपके सामने, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन। मतलब देखिए इसमें मैं क्या देखता हूँ, ये क्या पॉलिनोमियल है दोस्तों? तो आपका क्या आंसर होगा? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल की एक शर्त बताई थी कि उसकी जो पावर है वो होल नंबर होती है, एक होल नंबर होते हैं, 0, 1, 2, 3। लेकिन अगर मैं इसको देखूँ, एक्स की पावर 5 - 7/x² को देखूँ, ठीक है दोस्तों, इसको देखूँ, तो इसमें क्या होगा? एक्स की पावर 5, और अगर ये एक्स स्क्वायर को मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूँ तो क्या हो जाएगा? 7x और माइनस की पावर 2, यानी जो इसकी पावर है वो माइनस में हो जाएगी। लास्ट चैप्टर में मैंने दोस्तों बताया था कि जब जो है पावर वाली संख्या को, जिसकी एक पावर होती है, मैं उसे अगर ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है दोस्तों, यानी न्यूमिरेटर के साथ ले जाता हूँ मैं, तो उसकी पावर जो है माइनस में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये पावर माइनस में आ गई तो क्या ये होल नंबर रहेगी? इसकी एक पावर जो एक्सपोनेंट जिसे मैं कहता हूँ, क्या ये होल नंबर एक रहेगी? तो आपका आंसर होगा नहीं रहेगी। अगर ये होल नंबर नहीं रहेगी तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की एक कंडीशन ये जरूर होती है कि कोई भी हमारा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसकी जो एक्सपोनेंट है उसका, यानी जो उसकी पावर है, वो एक होल नंबर होनी चाहिए, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ना कि ना ही नेगेटिव में होनी चाहिए, ना ही वो पॉइंट्स में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसकी बात करता हूँ। ये
अब ये वाला, अब बोलते हैं क्या ये वन वेरिएबल इक्वेशन है, तो आप क्या कहेंगे, नहीं ये वन वेरिएबल इक्वेशन नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल एक एक्स भी है, एक वाई भी है, एक जेड भी है, तो जो वन वेरिएबल इक्वेशन नहीं होगा। तो यानी जो इक्वेशन यानी जो नो यानी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। ये देखिए दोस्तों, ये पॉलिनोमियल तो है, ठीक है दोस्तों, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है, लेकिन हमें जो है क्वेश्चन में क्या बताया गया, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ थ्री पॉलिनोमियल है, थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है, तो मैं कहूँगा यस, ये जो है थ्री वेरिएबल पॉलिनोमियल है, लेकिन जो है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है। अब देखिए ये वाला, इसमें भी सेम वही है, क्या ये जो है, देखिए पहली बात तो पॉलिनोमियल है ये, तो आंसर होगा नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक्स है, ये जो अंडर रूट में एक्स है, ठीक है, मैंने बताया था, देखिए अब मैं बताता हूँ अभी से, एक सेकेंड, इस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, सिक्स रूट एक्स प्लस नाइन वाई प्लस थ्री, ठीक है। तो मैंने जो है लास्ट चैप्टर में बताया था आपको कि जो हमारा रूट एक्स होता है, यानी रूट टू रूट फाइव कुछ भी हो सकता है, एक्स की जगह पे मैंने बताया था वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इसे बताया था कि हमेशा जो यहाँ पे एक दो छिपा होता है इसके, ठीक है, अगर ये दो छिपा हुआ है, जब मैं जो ये अंडर रूट हटाऊंगा तो मेरी पावर जो है एक्स और ये जो वन अपॉन टू हो जाएगी। ये मैंने आपको जो है पिछली क्लास में या पिछले चैप्टर में आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इसकी बात करता हूँ, अगर इसकी पावर जो है x यानी 6x की पावर 1/2 आ गई और प्लस 9y आ गई और प्लस 3 आ गई, तो अब क्या ये एक होल नंबर रहा इसकी पावर, यानी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है क्या वो एक होल नंबर रहा, तो आपका आंसर होगा नहीं रहा ये होल नंबर। अगर ये होल नंबर नहीं रहा एक्सपोनेंट की पावर, तो ये क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा, सीधी सी बात है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए अब हम इसी के ब्याह पे दूसरा एग्जांपल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, राइट कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट बताना है इन सब में, ठीक है। देखिए मैंने कॉफिशियंट क्या बताया था, कॉफिशियंट का मतलब था गुणांक, यानी जिसका भी कॉफिशियंट पूछा जा रहा है उस नंबर के साथ कौन सी संख्या गुणा हो रही है, यानी कौन सा उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें किसका पूछा गया है, एक्स स्क्वायर का, यानी इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, जो कोई भी नंबर होगा, जो भी कोई टर्म होगा वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वही हमारा जो कॉफिशियंट होगा किसका, एक्स का, ठीक है। अब देखिए मैं इसकी बात करता हूँ पहले वाले क्वेश्चन की, ठीक है। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट पूछा हो गया है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है दोस्तों, 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका जो कॉफिशियंट होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या होगा, 12, ठीक है। अगर दोस्तों मानो क्वेश्चन ने पूछ लिया होता एक्स का कॉफिशियंट क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक क्या है इसमें, 9 है, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं दोस्तों इसमें क्या है x का कोफिशियंट क्या है, तो आप कहोगे माइनस का 5, क्योंकि x के साथ एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 5। और अगर मैं बात कहूं कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या दोस्तों मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का 3, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का पाई बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, माइनस का पाई बाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या होगा, माइनस का पाई बाई 2। और अगर मैं बात कहूं कि x क्यूब का कॉफिशियंट क्या है इसमें दोस्तों, x क्यूब का, तो x क्यूब का कॉफिशियंट क्या है दोस्तों, 9 है। और अगर मैं बात करूं x का कॉफिशियंट क्या है, तो x का कॉफिशियंट क्या है, 7 है, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है दोस्तों, माइनस का 2, और x का कॉफिशियंट क्या है दोस्तों, माइनस का 6, और इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का ये रूट 3 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, माइनस का रूट 3, और अगर मैं बोलूँ एक्स का ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये है 5, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आप कुछ आपको एक एडिशनल बात बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, इसकी बात करूँ, इसमें टर्म्स कितने दोस्तों, 1, 2, 3, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ट्राइनोमियल यानी त्रिपद कहलाएगा। और इसकी जो मैक्सिमम पावर है, जो मैक्सिमम पावर है या एक्सपोनेंट है जो, वो कितना है दोस्तों, 2, यानी डिग्री कितनी है उसकी दोस्तों, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद कहलाएगा। और अगर इसकी बात करूँ मैं, इसकी बात करूँगा, तो ये दोस्तों इसमें भी 3 टर्म्स हैं, मैंने क्या बताया था, या तो माइनस से सेपरेट होना चाहिए या फिर प्लस से सेपरेट होना चाहिए, तो दोस्तों देखिए ये माइनस से सेपरेट हो रहा है, और इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, 1, 2 और 3, 3 टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। और जो इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है,
वो कितनी है दोस्तों, इसकी दो है, यानी मैक्सिमम पावर जो है हमारे वेरिएबल का वो कितना है, दो है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। अब इसमें आ जाइए, इसमें अगर मैं डिग्री देखूं दोस्तों, इसमें मैक्सिमम डिग्री जो देखूं वो है तीन, क्या है दोस्तों, तीन है। अगर तीन मैक्सिमम डिग्री है इसकी तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन लेकिन अगर जो हमें अगर टर्म्स के आधार पर, टर्म्स के बेस पर पूछूं कि पॉलिनोमियल कौन सा कहलाएगा, तो टर्म्स के बेस पे कौन सा कहलाएगा दोस्तों, ट्राइनोमियल। क्यों, क्योंकि इसमें तीन पद हैं, थ्री टर्म्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं बात करता हूँ, इसमें बात करो, इसमें भी तीन तीन टर्म है, तीन टर्म है तो ये भी ट्राइनोमियल कहलाएगा, और इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है वो दो है तो क्या कहलाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या कहलाएगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे मैं रुक जाता हूँ बीच में, इसलिए ताकि दोस्तों आप भी मन में सोचते रहें कि हाँ आंसर सही है या गलत है, ठीक है। अब देखिए इसमें, देखिए अगर इसमें मैं बात करूँ, इसमें भी थ्री टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स हैं तो दोस्तों ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ट्राइनोमियल, क्या कहलाएगा दोस्तों, ट्राइनोमियल कहलाएगा, ठीक है। और अगर मैं जो डिग्री के बिहाफ पे बात करूं, डिग्री के बेस पे बात करूं, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या कहलाएगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो, ठीक है। यानी हमें क्या बताना है दोस्तों, जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, बहुपद जो दिए गए हैं, हमें उनकी क्या बताना है, डिग्री बतानी है। क्या बतानी दोस्तों, डिग्री बतानी है, यानी घात बतानी है उसकी, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों घात बतानी है हमें तीनों पॉलिनोमियल्स की, तो हमें क्या बताना होगा दोस्तों, तीनों में जो मैक्सिमम पावर्स होगी उसकी, जो मैक्सिमम पावर होगी, यानी मैक्सिमम पावर का मतलब एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। एंड जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है इसका, ये अगर मैं पहले की बात करूँ, इसका इसका जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है वो कितना है दोस्तों, नाइन है, नाइन है। तो इसकी जो डिग्री होगी, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी दोस्तों, नाइन होगी, कितनी होगी, नाइन होगी। और अगर मैं इसकी बात करूँ, इसकी इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है दोस्तों, एट है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, यानी हमें हर किसी पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल्स की पावर देखेंगे, तो वेरिएबल्स की पावर कितनी है दोस्तों इसमें मैक्सिमम, वो भी कितनी है, एट है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी दोस्तों, एट होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें ये दो, ठीक है दोस्तों, मैंने दोस्तों बताया था जो हमारा कॉन्स्टेंट एक नंबर होता है, ठीक है, एक वेरिएबल बताया था, कॉन्स्टेंट बताया था, ठीक है। पहली बात तो ये जो है हमारा, अगर देखिए पॉलिनोमियल है, ठीक है, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है दोस्तों, ये होगा मोनोमियल है, क्या दोस्तों, मोनोमियल है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसकी इसमें वेरिएबल तो है नहीं, लेकिन दोस्तों वेरिएबल है, इसमें छिपा हुआ है। आप देखिए अगर मैं जो है एक्स की पावर को ज़ीरो लिख दूं, यहाँ पे एक्स की पावर को ज़ीरो लिख दूं, तो एक्स की पावर को ज़ीरो को मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर एक्स की पावर ज़ीरो है उसका मतलब वन होता है। मैंने आपको इस तरीके से बताया था, ए की पावर ज़ीरो का मतलब वन, ठीक है, ए की पावर जीरो का मतलब वन। तो यहाँ पे एक्स की पावर जीरो है इसका मतलब वन है, यानी टू और वन की मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो टू आया है, और यही टू जो यहाँ दिया हुआ है, तो इसी टू को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, टू एक्स की पावर जीरो, टू एक्स की पावर जीरो, क्या अब ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि जो इसकी पावर है दोस्तों वो क्या, एक होल नंबर है, क्या है दोस्तों, एक होल नंबर, एक पूर्णांक है, अगर एक सॉरी हाँ पूर्णांक है नहीं सॉरी पूर्ण नंबर है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप उसको माइंड मत करिए, क्योंकि हिंदी में थोड़ा बहुत हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो क्या है, एक पूर्ण नंबर सॉरी पूर्णांक है, सॉरी पूर्ण नंबर है, पूर्ण नंबर, ठीक है, पूर्ण नंबर है, ठीक है। तो अगर ये एक पूर्ण नंबर है, और यानी एक जो है एक होल नंबर है, होल नंबर हमें पता है जीरो से स्टार्ट होता है और जो इन्फिनाइट तक जाता है, ठीक है, यानी सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो क्या ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? हाँ जी, आप कहेंगे हाँ जी जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अगर ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है, एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितने है दोस्तों? जीरो है। और डिग्री जीरो है तो ये क्या कहलाएगा? एक जीरो, इसकी जो डिग्री है वो जीरो है, और ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा दोस्तों? जीरो पॉलिनोमियल। कौन सा कहलाएगा दोस्तों? जीरो पॉलिनोमियल। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फाइव आपके सामने है, एग्जाम्पल है दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हमें जो है इन नंबर इन जो है जो हमारे पास इक्वेशन दिए हैं, जो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, हमें ये बताने इनमें से लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है, यानी रैखिक कौन सा है, द्विघात कौन सा है, और त्रिघात पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद कौन सा है, हमें ये बताना है। अब देखिए अगर मैं इसकी बात कहूँ, ठीक है,
इस वाले पॉलिनोमियल की बात करूं तो सबसे पहली बात, ये पॉलिनोमियल है कौन सा, अगर मैं जो टर्म्स के बिहाफ पर देखूं तो कौन सा पॉलिनोमियल है दोस्तों, ये टर्म्स के बिहाफ पर देखूं तो ये है दोस्तों बाइनोमियल, क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल, ठीक है दोस्तों, बाइनोमियल है। और ये और इसके अब अगर डिग्री के बिहाफ पर देखें दोस्तों, डिग्री के बिहाफ पर देखते तो इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है दोस्तों, 1। अगर इसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है वेरिएबल की तो दोस्तों ये कौन सा कहलाएगा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरी बात करता हूँ, इसमें दोस्तों कितनी टर्म्स हैं, तीन टर्म्स हैं तो ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, ट्राइनोमियल यानी त्रिपद कहलाएगा। और अगर मैं इसमें डिग्री की बात करूँ कि मैक्सिमम डिग्री क्या है इसकी, तो मैक्सिमम डिग्री क्या है दोस्तों, इसकी 2 है। अगर मैक्सिमम डिग्री इसकी 2 है दोस्तों, ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं इसमें आपको जो पॉलिनोमियल बता रहा हूँ वो टर्म्स के बिहाफ पे भी बता रहा हूँ और उसकी डिग्री के बिहाफ पे भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है इस चीज़ को दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर अब मैं बात करता हूँ तीसरे में आप देखिए, तीसरे में अगर आप देखेंगे तो इसमें तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल होगा, ठीक है दोस्तों, ट्राइनोमियल होगा। देखिए 1, 2, 3 तीन टर्म्स है, और जो इसकी मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, वो 3 है। अगर मैक्सिमम एक्सपोनेंट उसका 3 है तो कौन सा पॉलिनोमियल दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तीसरा। और अगर मैं इसकी बात करूँ, ये भी ट्राइनोमियल है, 3 पद हैं, 1, 2, 3 तीन पद हैं, ट्राइनोमियल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये जो है कौन सा, यानी डिग्री क्या है इसकी, डिग्री बताना है ना दोस्तों, पॉलिनोमियल बताना है, कौन सा पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है दोस्तों, मैक्सिमम 2 है। अगर मैक्सिमम 2 डिग्री है तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए, मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें सिर्फ सिंगल टर्म है तो दोस्तों ये मोनोमियल भी कहलाएगा, मोनोमियल तो कहलाएगा। और इसकी जो मैक्सिमम पावर है कितनी दोस्तों, 1 है। अगर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 है तो दोस्तों वो कौन सा कहलाएगा दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, 5 हो गए, छठे की बात करते हैं, ये रहा छठा, ठीक है। अब देखिए, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई दोस्तों हमें पता है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, पाई क्या है एक दोस्तों, एक इरेशनल नंबर है। और हमारा वेरिएबल क्या है दोस्तों, आर स्क्वायर, ठीक है। हमें दोस्तों हमें इसमें वेरिएबल्स को देखना है, क्या देखना है, कैसे देखना है, वेरिएबल्स को देखना है। वेरिएबल हमारा आर है, ठीक है। और इसमें टर्म्स कितने दोस्तों, टर्म्स सिर्फ एक ही है। अगर टर्म्स एक ही है तो ये क्या हुआ दोस्तों, मोनोमियल तो हुआ ही हुआ। और पॉलिनोमियल कौन सा है दोस्तों, ये अगर इसकी पावर 2 है, मैक्सिमम वेरिएबल की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, ठीक है। अब देखिए इस वाली पॉलिनोमियल को देखो तो इसमें 3 पद हैं, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल कहलाया। और मैक्सिमम इसकी पावर या मैक्सिमम एक्सपोनेंट तीन है तो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा दोस्तों, क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद। कौन सा है दोस्तों, त्रिघात बहुपद और त्रिपद बहुपद, क्यों, क्योंकि 3 पद हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, मैं इसकी बात करता हूँ, इसमें कितने पद हैं यानी कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं तो दोस्तों ये बाइनोमियल तो कहलाएगा। लेकिन अगर मैं वेरिएबल्स की पावर पूछूं तो कितनी है वेरिएबल्स की पावर, 1 है। अगर वेरिएबल्स की पावर 1 है तो दोस्तों ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा दोस्तों, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है दोस्तों, ताकि हमारे द्वारा जो भी कोई नई वीडियो डाली जाती है आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अलविदा लेते हैं, थैंक यू।